कोरोना टाइम्स पुणे में आपका स्वागत है। मैं हूं राहिल, आपका होस्ट। अभी हम आए हैं हड़पस्टर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है श्री प्रशांत दादा जगताप, उनसे जानते हैं उनका विजन क्या है और एजेंडा क्या है और लोग उनके लिए क्यों वोट करें। तो नमस्कार दादा। नमस्कार। मैं हड़पस्टर असेंबली से चुनाव लड़ रहा हूँ। आने वाले 20 नवंबर को वोटिंग है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमेशा गए 40-50 सालों का आप अगर पूरा हिस्ट्री देखोगे तो उसमें हमेशा सेक्युलर पार्टी जीती है। बीच में 2019 में जो उम्मीदवार पवार साहब की निकाह सिंबल के ऊपर जीते थे वो गद्दार निकले, वो बीजेपी शिवसेना के साथ चले गए। शिवसेना उद्धव साहब वाली ने तो एकनाथ शिंदे वाली, और ऐसे होते हुए कई 5 सालों में ना कोई कोंडवा का विकास हुआ है ना हड़पसर विधानसभा मतदार संघ का विकास हुआ है। उसके बावजूद हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे यानी हमारे मतदार संघ के ऊपर गद्दारी करने का ठप्पा लगा है। वो होने के बावजूद भी बीच में जो कुछ हुआ है जिसमें संभाजी भिड़े हो, उसी के साथ नीतीश राणे हो, इन्होंने जो कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बाकी कम्युनिटी के लिए जो बात कही उसके बारे में एक लफ्ज़ भी बोलना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। आज वो चुनाव लड़ रहे, कोंडवा में ट्रैफिक जैम की समस्या है, हड़पसर में ट्रैफिक जैम की समस्या है, पूरे हड़पसर मतदार संघ में पानी की दिक्कत है, गुनहगार राज काफ़ी ज़्यादा है, ड्रग्स माफिया है, मॉब लिंचिंग हो रही है। ये सारे मुद्दे जो है ये इस मैंने क्या असेंबली की या इस कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या हालत है वो दिखाने के लिए मजबूर है, या वो उसके बाद पब्लिक ये तय करेगी कि जिस एमएलए को 5 साल चुना गया था वो 4 साल सत्ता में रहेगा, 3 साल महाविकास अघाड़ी में, 1 साल महायुति में रहने के बावजूद भी वो हमें कोई विकास दे नहीं पाया, तो इसको क्यों वोट करना है। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से सारे जनता से अपील करूँगा कि सभी जाति धर्मों को लेकर जाने वाले हम लोग हैं, सेक्युलर पार्टी करके सेक्युलर नहीं क्या विचारधारा लेकर हम लोग आ रहे हैं। इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, जैन है, बौद्ध, इन सारे लोगों को लेकर जाने की हम लोग ताकत रखते हैं। आपने गए 5 साल में चेतन त्रिवेदी जी का गलत एक्सपीरियंस देखा है, उसके बावजूद आज वो वापस चुनाव लड़ रहे जिन्होंने पवार साहब से गद्दारी की। मैं आपसे अपील करूँगा कोंडवा हड़पसर के विकास के लिए मुझे चुना जाए। पुणे का मैं रहते हुए मैंने 24/7 पानी की योजना शुरू की थी जो अभी अगले कुछ महीनों में कोंडवा या हड़पसर में भी मिल जाएगी। पुणे मीटर की शुरुआत मेरे ने क्या मेयरशिप के टाइम हो गई थी, तो इसलिए ज़रूर मेरा गए 20 साल का एज ए कॉरपोरेटर, एज ए मेयर और सिटी प्रेसिडेंट का काम देखकर मेरे नाम का चयन कीजिए, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और आपका टॉप 3 जो फोकस होगा मीन आप अगर जीत के आने के बाद गुनहगारी मुक्त करूँगा मतदार संघ, मैं पानी की दिक्कत है वो खत्म करूँगा, ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करूँगा, बेरोजगारी और एजुकेशन के बारे में काफ़ी काम करूँगा। मैं कोंडवा और हड़पसर में एजुकेशन हब लेकर आ रहा हूँ, उसी के साथ वहाँ पर अच्छा चैरिटी हॉस्पिटल लेकर आ रहा हूँ। मुझे पता है कि कम्युनिटी की क्या ज़रूरत है। आज जो गरीब है वो अच्छी शिक्षा ले नहीं पा रहे, बेरोजगारी है, उसी के साथ हॉस्पिटलाइजेशन होने के लिए भी काफ़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए ये सारी समस्या मैं छोड़ाऊंगा, यही मेरा वादा है। ठीक है, धन्यवाद।